बहुत गलत बात है। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, कौन इतना जल्दी साले भेज दिस रमन तो आते का वो तो बताती मुन नहीं मन मोला बताइलो तो मूर्ति कहां की है मुड़ी है यार कहां का मुड़ी यार कहां की है टेक समय मन बताइलो देखा कोई चौकी लाने नहीं है राजीव जी को भारत रत्न भी भारत सरकार ने दिया है। अब यहाँ पर अराजक तत्व का हाथ है कि किसका हाथ है ये थाना में अभी हम लोग रिपोर्ट कराने जा रहे हैं। जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसकी मंशा क्या थी, क्यों ऐसा किया। ये जो असामाजिक तत्व है कि क्या है ये जांच होने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। अभी जो हम लोग सुने पूरा पार्टी वाले आए हैं और अभी हम लोग थाने के रिपोर्ट कराने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या एक्शन लेंगे, अभी कहां जा रहे हैं, एफआईआर भी करवाएंगे, क्या मांगे? ये 24 घंटे के अंतर्गत इस प्रकार के जो राष्ट्र के धरोहरों के प्रति गंदा विचार रखते हैं उसको पकड़े, सजा दे, सजा मिलना चाहिए। और हम तो चाहते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा जाए और उनको सजा मिले कठोर से कठोर, है ना, ताकि इस प्रकार से और कोई गतिविधि ना हो। ये तो शांत एरिया है, दुबली भी शांत एरिया है, हमारा नगरी से हवा भी शांत एरिया है। ये पहली बार ऐसी इस प्रकार की घटना को हम लोग देख रहे हैं, है ना। यहाँ तो सब सहयोग करने वाले लोग हैं, एक दूसरे से बराबर सहयोग करते हैं, सामुदायिक भावना से रहते हैं, उनके विकास के लिए देखिए फॉरेस्ट विभाग के तहत इतना सारा जो है कार्यक्रम बनाया गया है। और अभी हम लोग जो है वन अधिकार मड़ई भी किए थे तो वन अधिकार पट्टा भी दिया जा रहा है और सारे उनके विकास के लिए सारे कार्यक्रम तैयार। अभी मामला भी दर्ज करवाएंगे क्या? मामला दर्ज कराएंगे। मैम क्या लगता है, क्या सुरक्षा में कहीं चूक हुई होगी जो इतनी बड़ी घटना है? अब वो जांच होने के बाद ही थाने वाले जांच करेंगे तभी बता पाएंगे। अब ये तो हमेशा से ऐसा ही है, सब लोग आते हैं, जयंती के दिन आते हैं और शहादत के दिन भी आते हैं, सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, सभी की भावनाएं जुड़ी हुई थी। और राजीव जी दुगली आए थे उसके यादगार में यहाँ स्थापित किए हैं, है ना। अब ये कौन सा सामाजिक तत्व है पता जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा।